गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल, मैं हूँ रश्मि। सो गाइस, आज का ही हाल में कुछ इंडो वेस्टर्न आउटफिट्स का रिव्यू अभी मैं शेयर करूँगी। एक्चुअली इससे पहले काफ़ी सारा इंडो वेस्टर्न आउटफिट्स का रिव्यू शेयर कर चुकी हूँ मैं अमेजोन से। अगर आपने वो सारे वीडियोस को मिस कर दिया है तो वो सारे वीडियोस ना आपको चैनल पर मिल जाएगा। इवन रिसेंटली सारे वीडियोस का रिव्यू शेयर की हूँ। तो वैसे ही आज का हॉल में कुछ इस तरह की इंडो वेस्टर्न आउटफिट्स का रिव्यू अभी मैं शेयर करूँगी। गाइस सारे ब्रांडेड आउटफिट्स से क्वालिटी वाली सुपर्ब है, आपको देख के पता चल जाएगा। तो प्लीज स्टे ट्यून्ड, प्लीज आज का ये वीडियो देख लीजिए, मे बी आपको इनमें से कुछ आउटफिट्स पसंद आ जाए। सो स्टे ट्यून्ड, आई विश आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। सो एज ए सर, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर न्यू है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन। तो बिना टाइम वेस्ट के चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अमेजोन स्पेशल वेडिंग स्पेशल हॉल वीडियो। सो गाइस, डिजाइनर वेडिंग स्पेशल हॉल में जो हमारा फर्स्ट आउटफिट है, यहाँ पे ना रेड कलर में सिक्वेंस वॉक के साथ, इनफैक्ट लॉन्ग स्लीव में एक डिजाइनर टॉप या एक ब्लाउज का रिव्यू मैं शेयर कर रही हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज, आप ना ये ब्लाउज का डिजाइन देख लीजिए। फैब्रिक गाइज इसका आपको जॉर्जेट में आ जाएगा। नीचे ना आपको ये सारे पॉल विथ ग्लास का डिटेलिंग मिल जाएगा फ्रंट एंड बैक में। एंड गाइज, बैक साइड में ना आपको यहाँ पे एक मेटेलिक जिप मिल रहा है। फैब्रिक वगैरह देख लीजिए, ये आपको जॉर्जेट फैब्रिक में आ जाएगा। अंदर ना यहाँ पे लाइनिंग दी हुई है सिल्क फैब्रिक का। फ्रंट का डिजाइन देख लीजिए, सारे यहाँ पे सिक्वेंस का डिटेलिंग दी हुई है थ्रेड वर्क के साथ। एंड विथ ना आपको यहाँ पे लॉन्ग स्लीव मिल जाएगा बोथ साइड पे। अगर आप चाहो तो इसे लहंगा के साथ पैर कर सकते हो या साड़ी के साथ पहन सकते हो या कोई भी प्लाजो सरारा पैंट के साथ भी पहन सकते हो। वैसे इसका जो स्लीव है काफी अच्छा लग रहा है, ये वाला डिजाइन भी काफी अच्छा लग रहा है। जो सेकेंड आउटफिट है गर्ल्स, यहाँ पर डीप पिंक कलर में ना ब्यूटिफुल सा ये जम्पसूट का रिव्यू अभी मैं शेयर कर रही हूँ। गाइस आप ना ये वाला जम्पसूट देख लीजिए, ऊपर से आप इसका फैब्रिक देख लीजिए, कॉलर देख लीजिए, डिजाइन देख लीजिए। गाइस ये वाला जो जम्पसूट है ना, ये इसका फ्रंट है। फ्रंट आपको स्क्वायर नेक में आ जाएगा। एंड यहाँ पे ना आपको एक बेल्ट मिल रहा है। एंड आप इसका लेग्स का फ्लेयर वगैरह देख लीजिए, फैब्रिक काफी अच्छा है। इनफैक्ट गाइस इसका जो फैब्रिक है ना, काफी थिक फैब्रिक है। एज यू कैन सी गाइस, इसका फैब्रिक इतना थीक है। एंड यहाँ पे आपको लाइनिंग मिल रहा है। एंड गोल्डन कलर के ऊपर ना आपको ये सारे पोल कलर प्रिंट मिल जाएगा। फ्लेयर वगैरह काफ़ी अच्छी दी हुई है, जो कि बर्थडे के लिए अच्छा रहेगा या वेडिंग वगैरह के लिए परफेक्ट रहेगा। काफ़ी यूनिक वाला ये का जम्पसूट है। इनफैक्ट बोथ साइड में गाइस यहाँ पे आपको दुपट्टा मिल जाएगा, एक लेफ्ट में दी हुई है, एक राइट में भी दी हुई है। काफ़ी ब्यूटी लगेगा। अगर आपको चाहिए तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। गाइस यहाँ पे ना पिंक कलर में पॉल का डिटेलिंग के साथ ही एक ब्यूटिफुल सा टॉप कम ब्लाउज करीब अभी मैं शेयर करूंगी। गाइस आप ना ये वाला टॉप देख लीजिए, नीचे का डिटेलिंग देख लीजिए, सारे यहाँ पे पॉल का डिटेलिंग दी हुई है। एंड उसके साथ में ना सेम कॉलर, सेम फैब्रिक एंड सेम प्रिंट के साथ ये बॉटम वेयर का रिव्यू अभी मैं शेयर करूंगी। तो चलिए पहले ही टॉप का रिव्यू शेयर कर लेते हैं। गाइस ये वाला जो टॉप है ना, एक्चुअली एक ब्लाउज है या क्रॉप टॉप भी है। लेफ्ट साइड में यहाँ पे आपको एक जिप मिल जाएगा। एंड नीचे का डिटेलिंग देख लीजिए, काफी क्यूट लग रहा है। डेफिनेटली गाइस ये सारे ब्रांडेड आउटफिट्स है। अंदर यहाँ पे आपको लाइनिंग मिल जाएगा। एंड ये सारे पॉल का डिटेलिंग काफी अच्छा लग रहा है। स्लीव तो गाइस ये ना आपको स्लीवलेस में आ जाएगा। अंदर स्लीव के लिए कोई भी एक्स्ट्रा फैब्रिक प्रोवाइड नहीं की हुई है। एंड उसके साथ में ना मैं यहाँ पे सेम कलर में ये सरारा पैंट को पेयर अप की हूँ। गाइस आपने ये वाला पैंट देख लीजिए, फैब्रिक इसका आपको सेम जॉर्जेट फैब्रिक में आ जाएगा। वेस्ट में इलास्टिक लगी हुई है। एंड यहाँ पे आपको जिप मिल जाएगा, हुक वगैरह भी दी हुई है। एंड गाइस आप इसका फ्लेयर देख लीजिए, काफ़ी ज़्यादा फ्लेयर आपको ये वाला सरारा पैंट में मिल जाएगा। अंदर लाइनिंग भी दी हुई है। फैब्रिक इसका काफ़ी अच्छा है, कलर काफ़ी डिसेंट है। एंड ये वाला बांधने फ्रंट काफ़ी अच्छा लग रहा है। जो फोर्थ वन है गाइस, यहाँ पे एक लॉन्ग फ्रॉक या लॉन्ग गाउन या लॉन्ग कुर्ती का रिव्यू मैं शेयर करूँगी। एंड गाइस ये वाला जो ड्रेस है ना, ऊपर से आप इसका कलर देख लीजिए। अगर आपको ऑफ वाइट कलर या डिसेंट कलर वगैरह काफ़ी पसंद है तो ये वाला ड्रेस आपके लिए परफेक्ट रहेगा। ऊपर से गाइस आप इसका नीचे का बॉर्डर देख लीजिए, गोल्डन कलर में आपको यहाँ पे सारे बॉर्डर मिल रहा है। एंड गाइस आप इसका फैब्रिक देख लीजिए, फैब्रिक गाइस जिसका आपको सिल्क फैब्रिक में आ जाएगा। एंड इसका प्रिंट वगैरह देख लीजिए, सारे ना यहाँ पे आपको गोल्डन कलर में प्रिंट मिल रहा है। फ्रंट का डिजाइन देख लीजिए, वी नेक में है। एंड सारे ना यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छी क्वालिटी की ना सिक्वेंस का डिटेलिंग मिल जाएगा।
फ्रंट ना टोटल गाइस आपको फ्रंट कट में आ जाएगा, काफी ज्यादा फ्लेम दी हुई है। एंड नीचे का ये वाला जो बॉर्डर है ना, ये वाला बॉर्डर काफी प्रीटी लग रहा है, मतलब कि टोटल फोकस ना ये बॉर्डर के ऊपर जा रहा है। आप ना इसे डेफिनेटली कोई भी वेडिंग में पहन सकते हो, या कोई भी फंक्शन में पहन सकते हो, पूजा वगैरह में पहन सकते हो। इनफैक्ट कुछ हैवी या मतलब कि बड़े फंक्शन के लिए ये वाला आउटफिट परफेक्ट है, पहनने के बाद काफ़ी अच्छा लगेगा। इसके नीचे ना गोल्डन कलर या ऑफ वाइट कलर में कोई भी सिगरेट पैंट को अगर पेयर अप करेंगे तो काफ़ी प्रिटी लगेगा। गाइस यहाँ पे ना बांद्री प्रिंट के साथ एक सरारा पैंट एंड उसके साथ पेयर अप करने के लिए मैं एक टॉप को चूज़ की हूँ। एक्चुअली ना मुझे इसके ऊपर व्हाइट कलर में एक टॉप को पेयर अप करना था, लेकिन सेम टॉप को मैंने ऑर्डर प्लेस किया था व्हाइट कलर में, लेकिन ये मुझे पिंक कलर में आया है। तो चलिए मतलब ये और कुछ एक्स्ट्रा टॉप नहीं है जो भी इसके साथ पेयर अप करूँ, तो ये वाला पिंक को इसके साथ पेयर अप की हूँ। आई विश आपको ये लुक पसंद आया होगा। तो चलिए पहले ये पैंट का रिव्यू शेयर कर लेते हैं। गाइस ये वाला जो पैंट है ना, बैक साइड में इलास्टिक लगी हुई है एंड कितना ज़्यादा फ्लेयर है गाइस देख लीजिए। एंड ऊपर से आप इसका कलर कॉम्बिनेशन देख लीजिए गाइस, फैब्रिक इसका जॉर्जेट है। अंदर यहाँ पे लाइनिंग मिल जाएगा पर्पल कलर में सिल्क फैब्रिक का एंड काफ़ी ज़्यादा फ्लेयर दी हुई है। आज ने सी गाइस काफ़ी ज़्यादा फ्लेयर ना कोई वाला सनारा पैंट में मिल जाएगा। उसके साथ में जो एक टॉप को मैं पेयर अप की हूँ ना, ये पिंक कलर में टॉप है जो कि हाईनेक में आ रहा है। स्लीव तो ये आपको फुल स्लीव में आ जाएगा। ये बॉडीकन क्रॉप टॉप है, मैं ट्राई की हूँ इसे इन करके पहनने के लिए। अगर इसके जगह पे व्हाइट कलर का टॉप आता ना तो और भी ज़्यादा अच्छा लगता। तो नेक्स्ट वन है गाइस यहाँ पे ब्लू कलर में सिक्वेंस का डिटेलिंग के साथ ना, ये एक प्लाजो पैंट का रिव्यू अभी मैं शेयर करूंगी। ये वाला जो पैंट है गाइस आपको जॉर्जेट में आ जाएगा। वेस्ट में तो आपने देखा सारे सिक्वेंस का डिटेलिंग दी हुई है। अगर ये सेम डिजाइन के साथ क्रॉप टॉप ऊपर होता, एक दुपट्टा होता ब्लू कलर में, तो और भी ज़्यादा अच्छा लगता। मैंने बोल दिया अगर आप इस तरह की लुक क्रिएट करना चाहते हो तो डेफिनेटली कर सकते हो। गाइस यहाँ पे ना आपको एक ब्लू कलर में मैचिंग होकर के जिप मिल जाएगा, हुक भी दी हुई है एंड अंदर ना हमें लाइनिंग दी हुई है। फ्लेयर वगैरह काफी अच्छा है, अंदर लाइनिंग वगैरह भी प्रोवाइड की हुई है। दिखने में जितना अच्छा लग रहा है ना, अगर आप इसे परफेक्ट मैचिंग करके कुछ ज्वेलरी लेंगे, कुछ टॉप लेंगे, कुछ दुपट्टा लेंगे तो और भी अच्छा लगेगा। गाइस अगर आपको इनमें से कोई भी आउटफिट चाहिए या पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। सारे प्रोडक्ट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर आपका चॉइस कुछ डिफरेंट है या कुछ आप और भी प्रोडक्ट्स का रिव्यू देखना चाहते हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। सारे प्रोडक्ट्स का रिव्यू मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। इनफैक्ट आप मुझे कुछ सजेशन दीजिए कि किस टाइप्स का प्रोडक्ट्स का रिव्यू शेयर करूँ, मतलब कि वेस्टर्न में हो या साड़ी में हो या कुछ ऐसा आइडिया दीजिए, कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। अगर आपको मैं अच्छी लग रही हूँ तो भी वीडियो को लाइक कर देना। तो प्लीज़ का स्टे ट्यून्ड। तो फिर चलिए फिर मिलते हैं और एक न्यू वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।